भांग धतूरा खा करके ये साले किरदार करें, बॉलीवुड नंगा हो करके हिंदू पर ही वार करें। क्या बजरंगी ऐसे दिखते थे जैसा ये दिखलाए हैं? हिंदू तो नहीं उन्हें ये साले, कुछ और बनाने आए हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। मैं कुंदन कुंज भागलपुर बिहार से। दोस्तों कुछ दिनों पहले ही एक मूवी का जो टीजर लॉन्च हुआ था, आदि पुरुष, आपने ज़रूर नाम सुना होगा, जिसके डायरेक्टर साहब हैं आपको ओम रावत जी, और इनमें जो है रावण का जो रोल किए हैं वो सैफ अली खान ने हैं। यहाँ मैं उस मूवी से रिलेटेड उसमें कुछ ऐसे चीज़ को दिखाया गया है जो हमारी सनातन सभ्यता एवं संस्कृति को किसी न किसी रूप से आहत पहुँचाने का काम करता है। तो आज हमारे साथ भागलपुर के कुछ युवागण यहाँ मौजूद हैं, जो आपको यहाँ भगवा क्रांति के युवा हैं, और कुछ जय श्री राम यहाँ आपको दिख जाएगा। ये सारे इनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा कि इन लोग का क्या रिव्यू है, और ये लोग इस मूवी के टीजर पर क्या अपना गंतव्य रखते हैं, और इनका क्या, क्योंकि अभी जो है इंडिया का एक युवा जनरेशन है और यूथ है, क्योंकि हम ही सब पर जो है सनातन धर्म के प्रति जो हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा, और हम लोगों को जो है अपने सभ्यता एवं संस्कृति को बचाने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा और आगे कदम उठाना होगा। आइए इन लोगों से बात करते हैं और इनकी राय जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? कंदर्व कुमार झा। कंदर्व जी हो गए। तो आपने जो है अभी आदि पुरुष एक मूवी का टीजर लॉन्च हुआ है, क्या आपने देखा है? हाँ देखा है। मतलब क्या आपका क्या व्यू है आपका? मेरा व्यू है कि इसमें जो हनुमान जी को है पूरी गलत तरीके से दिखाया गया है, और रावण को तो पूरा बर्बाद कर दिया। जैसे छपरी लुक होता आज के जनरेशन में जो बर्बाद कर रहा है, वही लुक दे दिया गया है, जो कि गलत है हमारे सनातन धर्म के खिलाफ। रावण भी एक अच्छा ज्ञानी पुरुष थे, इसके लिए इस सब पे ध्यान देना चाहिए। ओम रावत को हम इसका विरोध करेंगे, हम लोग विरोध करेंगे सब भागलपुर में अगर मूवी रिलीज होगा तो। पूरा बॉलीवुड का जो है पूरा बायकॉट करेंगे, क्योंकि ये हमारे धर्म के से साथ खिलवाड़ करते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आदि पुरुषम, इससे पहले भी बहुत सारी मूवी आए जिसमें सनातन धर्म के बारे में इजुल फिजुल दिखाया गया है। हमारे रामायण के साथ जो इतना पवित्र ग्रंथ माना जाता है हिंदुओं का, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और है क्या कि जैसे सीता माँ को सप्तम अनुसुईया जो है वो साड़ी दी थी, वो भगवा कलर का साड़ी था, इसमें कहीं कोई भगवा का नाम ही नहीं है, हीरोइन बना दी। और इसमें जो है सिर्फ रामायण का मजाक बनाया जा रहा है, जैसे ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग इसका पूरा बायकॉट करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने जैसे संपूर्ण रामायण देखा होगा पहले, संपूर्ण रामायण और आदि पुरुष में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? ये जो है पूरा गेम बना डाला है मूवी को। पहले जो था उसमें भाव दिखता था, पहले जो रामायण था उसमें भाव दिखता था, तेज दिखता था। और हम लोग सभी को जब रामायण चलता था लॉकडाउन में भी, तो हम लोग सभी को ही देखते थे, पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। लेकिन ये रामायण जो है तो ये सिर्फ लग रहा है वीडियो गेम है, रामायण तो कहीं से दिख ही नहीं रहा, पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है रामायण के साथ। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, पूरा सनातन संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोग जितने भी हिंदू हैं सभी को इसका विरोध करेंगे और इसका बायकॉट करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। भैया कुछ मतलब आदि पुरुष टीजर जो लॉन्च हुआ है उनके बारे में क्या कहना चाहिए, आपकी क्या राय है? एक चीज़ आपको हम बताते हैं, आप जरा कैमरा इधर कीजिए, आपको लग रहा है कौन मतलब बिना दाढ़ी मूंछ के है, वो लग रहा है आपको? छोटा छोटा बच्चा भी है तो थोड़ा सा भी है पर है दाढ़ी। तो हम ये बताना चाहेंगे कि आप कौन होते हैं हनुमान जी को वैसे दिखाने के लिए। सनातन धर्म जो शुरू से चलता है उसका अर्थ ये है कि सब हमारे प्रभु श्री राम, आप ले लीजिए, सबके बड़े बड़े बाल हैं, सबके बड़े बड़े दाढ़ी है, मतलब जो है होता है सनातन धर्म का। तो आप इस सनातन धर्म का मजाक मत बनाइए, आप किसी भी थ्रू, आप वो जो फिल्म सो कॉल्ड फिल्म जो भी है, फिल्म तो किसी एंगल से लगता नहीं है, वो सिर्फ ये लगता है कि सनातन धर्म को मजाक के तौर पे दिखाया जा रहा है और नीचा दिखाया जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है। आप ये उसमें टीजर में आप ये देखिए, हनुमान जी को एक स्ट्रैप दिया गया यहाँ पे, हम भी रामायण देखे हुए, बहुत सारा देखे हुए, और वो रामायण और इस रामायण में जमीन और आसमान का अंतर है। इसमें आप देखिए कि लेदर जो होता है ना चमड़ा, जिसको खाल बोलते हैं, वो पहनाया गया। अब वो सो कॉल्ड जो डायरेक्टर है वो बोलते हैं कि ये कैनवस है, आपको कैसे पता है कैनवस ही है? हम बोल रहे हैं लेदर, आप मानेंगे मेरा बात? नहीं, जो है वो है। एक चीज़ और, हमारे सनातन धर्म को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इससे आपको नुकसान होगा। जय श्री राम। अब हिंदू जाग गया, अब हिंदू वो हिंदू नहीं रहा जो पहले हुआ करता था।
अब हिंदू जाग गया है और हम लोग इसका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे और इसको हॉल तक भी नहीं आने देंगे। अगर जो हॉल में आ जाता है तो हम लोग पूरा हॉल प्रशासन का कार्रवाई करेंगे या जो भी होगा हम लोग उचित वो कर। जैसे कि इस मूवी को जो है लगभग इसमें जो खर्च किया गया है लगभग 500 करोड़ कहा जा रहा है, इस पर इसका बजट है, मतलब 500 करोड़ में यह जो मूवी जो बना है, क्या लग रहा है आपको 500 करोड़ में ये कार्टून मूवी बनता है क्या भैया? पाइए लगता तो नहीं है भैया। आप टीजर देखे भैया? एकदम देखे। क्या लग रहा है देखने के बाद? गुस्सा भी आया क्या? पूरे गुस्सा आया है, एकदम कार्टून के जैसा लग रहा है। कार्टून क्या, एनिमेटेड तो हम लोग देखे ही हैं पर वैसा दम नहीं है ये तो। मतलब 100 करोड़ तो दूर का बात गया, 100 करोड़ पे आफत हो जाएगा। मतलब किसी तरह से 500 करोड़ खर्च करने के बाद अगर भाई इस तरह का मूवी बनाया जाता है जिसमें किसी सभ्यता एवं संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जाता है, हमारे धर्म एवं संस्कृति के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, तो कतई बर्दाश्त लायक नहीं है। तो प्लीज़ दोस्तों अपना रिव्यू दीजिएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सारे जो हमारे भागलपुर के भगवा क्रांति के जो युवा हैं वो हैं, और उसके बाद बजरंग दल के भी युवा आपको दिख। माता के जय करा वीर बजरंगे। तो इस तरह का चीज़ आप लोगों जोश क्रोध दिख जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मूवी में एक चीज़ दिखाने का प्रयास किया गया है जो कतई बर्दाश्त लायक नहीं है। भागलपुर में अगर यह मूवी लगेगा तो संपूर्ण रूप से हम लोगों के तरफ से बायकॉट किया जाएगा, नहीं तो अभी वक्त रहते हुए इसे इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता।